हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में नया क्या है, खास क्या है, आइए आपको बताता हूं। एक व्यूअर है जिनका सवाल है, सर आपकी स्क्रीन जैसे आती है परचेस वाउचर में एंट्री पास करते वक्त, वैसी मेरी नहीं आती। ये स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये पूरी स्क्रीन में आपको एक बार दिखाता हूँ। वाउचर एंट्री पास करते वक्त यहाँ देखिए, परचेस वाउचर में हम हैं और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क्वांटिटी, रेट पर अमाउंट, इस तरह की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। सर ऐसा स्क्रीन आपका नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर आप चेंज मोड वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर डबल लाइन नीचे बनी हुई है, ये देख लीजिए। डबल लाइन का मतलब ये है कि एच वाला बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, और अगर सिंगल लाइन होती तो अल्ट के साथ दबाना होता। तो यहां पर कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर लेते हैं, या आप यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं, यहां पर देख सकते हैं तीन मोड आपको दिखाई पड़े हैं। फिलहाल हम अभी आइटम इनवॉइस मोड में हैं, हम आते हैं सीधा कहां, वाउचर मोड में। जैसे ही आप वाउचर मोड में आते हैं तो आपकी स्क्रीन ऐसे डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आ जाएगी, यहां पर डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में ये आ जाएगा, और आपको डेबिट क्रेडिट के ही फॉर्मेट में एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, पहले के जो टैली आती थी पहले उसमें ऐसा ही होता था, लेकिन अभी टैली प्राइम आने के बाद और भी ज्यादा आसानी हो गई है। ERP9 भी ठीक था, आसान था, लेकिन प्राइम आने के बाद और भी ज्यादा आसान बना दिया गया इसको, कि कोई भी इसे आसानी के साथ यूज कर पाए। तो अभी हम क्या करते हैं, चेंज मोड पे वापस चलते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जैसे ही आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाते हैं तो यहाँ डेबिट क्रेडिट हट जाता है, फिर आपको यहाँ पर्टिकुलर दिखाई पड़ेगा, पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये जो है दूसरा मोड है। और लास्ट में जब आप फिर यहां पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है आइटम इनवॉइस। तो आप आइटम इनवॉइस पे चले जाइए, आप देखेंगे कि आइटम इनवॉइस में बिल्कुल आपको ऐसी ही स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जैसा कि मेरा आ रहा है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी। अब अगर आप पेमेंट वाउचर में जाते हैं तो यहां पे आए पेमेंट वाउचर में, तो आपको फिर ऐसा स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर कहानी क्या है, यहां पर तो आपको डेबिट क्रेडिट में ही मैं बताता हूं एंट्री पास करना बहुत आसान है। अब देखिए इसमें भी अगर आप मोड को चेंज करना चाहते हैं, देखिए ये डबल एंट्री मोड है। कौन सा एंट्री मोड है, डबल एंट्री मोड। तो डबल एंट्री मोड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर चेंज मोड पे चले जाइए। अब जैसे ही आते हैं चेंज मोड पर, तो यहां पर आपको डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, यूज फॉर एम्प्लॉई बेस्ड बैंक एलोकेशन, ये नया आया है, ये भी आपको दिखाई पड़ता है। तो आपको डबल एंट्री और सिंगल एंट्री फिलहाल समझना है। तो देखिए सिंगल एंट्री में जाएंगे तो सिंगल एंट्री में डेबिट क्रेडिट हट जाता है। तो जैसे ही आप सिंगल एंट्री को एक्टिवेट करते हैं, देखते हैं तो यहां पर डबल एंट्री मोड हट गया, मतलब कि डेबिट क्रेडिट हट गया। तो ये होता है सिंगल एंट्री मोड। और डबल एंट्री मोड क्या होता है, फिर आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते ही आपको दिखाई पड़ेगा डबल एंट्री ऊपर। तो डबल एंट्री कर दीजिए इसको, तो डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट आता है, ये तो आपको पता है ही। तो इसी तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। और आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अब स्क्रीन वाला जो आपको समस्या आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।